मैं प्रतिभा शर्मा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से भूगोल की सह आचार्य आज भौतिक भूगोल जो प्रथम प्रथम वर्ष का भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र है भौतिक भूगोल उसका सिलेबस के संदर्भ में मैं आपको निरंतर कई सारे अध्याय प्रस्तुत करूंगी और आज का जो हमारा विषय है वो है भूगोल की परिभाषा एवं अभिप्राय सो आई एम फ्रॉम सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ऑफ फिजिकल द फर्स्ट पेपर ऑफ़ फर्स्ट ईयर इन ज्योग्रफी दैट इज द फिजिकल ज्योग्रफी सो टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज The meaning and the definitions of physical geography. अभिप्राय की बात करते हैं। तो जो भूगोल शब्द है, हम इससे पहले शुरू करें कि भौतिक भूगोल क्या है? हमें पता होना चाहिए कि भूगोल शब्द से क्या अभिप्राय, कहाँ से लिया गया? है तो भूगोल शब्द जो है, लैटिन भाषा के दो शब्दों जी प्लस logos से लिया गया है, जहाँ पर जी से अभिप्राय है कि जो लैटिन के जो पृथ्वी के देवता थे उन्हें जी का नाम दिया जाता था और लोगों से अभिप्राय था उनका ज्ञान प्राप्त करना तो अगर हम सामान्य तरीके से अंग्रेजी की दृष्टि से समझें तो ये दो शब्दों का योग है जियो अर्थात की पृथ्वी और ग्राफी यानी कि लॉजी या ग्राफी जिससे अभिप्राय होता है साइंस तो ये ग्राफी से अभिप्राय है क्रमबद्ध अध्ययन so let's know better first what is what do we understand by the term geography before talking about physical geography so geography is derived from the latin word g and logos g referred to the uh, earth god and logos referred to the his knowledge so in general as if we talk about in english it can be expressed as geo plus graphy where geo stands for the earth and graphy as you know graphy and logy refers to any science so graphy expresses about the systematic study of earth so geography together uh, can be expressed as the systematic study of earth So, ye uh, baat hum ki भौतिक भूगोल के संदर्भ में बात करते हैं हमने भूगोल के विषय में जाना और भौतिक भूगोल की भूगोल विषय के बारे में जाना अब ये कि भौतिक भूगोल क्या है अतः भौतिक भूगोल के, के संदर्भ में ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी की भौतिक दशा स्वरूप एवं तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन को हम सामान्यकृत तरीके से भौतिक भूगोल के नाम से पुकार सकते हैं सो so, एज वी हैव नोन वॉट ज्योग्रफ जोग्रफी मीन्स इन फैक्ट ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द अर्थ एंड वेन वी टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी सो इट डील्स विद दिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द कंडीशंस द फीचर्स फैक्ट्स एंड फैक्टर्स दैट प्रिवेल ओवर द अर्थ तो ये एक सामान्य अभिप्राय हमने जाना भौतिक भूगोल के संदर्भ में अब हम बात करते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं पहले जो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं उनका हमें एक बार दृष्टिपात करेंगे उन्हें देखेंगे और फिर समझेंगे उससे हमारे पास निचोड़ सामने आ जाएगा कि भौतिक भूगोल वास्तव में है क्या तो अब एक एक विद्वान के अनुसार हम परिभाषाओं को लेते हैं पहला हम ले लेते हैं लोबैक के अनुसार तो लोबेक महोदय क्योंकि जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो जो विद्वान के द्वारा गए हुए शब्द हैं उसमें हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे उन्हें यथावत उसको अभिव्यक्त करेंगे तो महोदय के अनुसार जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल विषय भूगोल की विषय वस्तु है तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन So, this was the definition in Hindi, and let's talk about in English how he has defined, in what manner he has uh, tried to define physical geography. So, the subject matter of geography may be defined as the study of relationships existing between human life and physical environment. On the whole, it can be said, so the other line. इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन बट दिस पर्टिकुलर लाइन एक्सप्रेसिस वॉट फिजिकल ज्योग्राफी इज द फिजिकल एनवायरमेंट अलोन कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल जियोग्राफी तो ये लॉबेक महोदय के अनुसार था कि किस तरह से जीव और उसके बहुत पर्यावरण के जो संबंध है वो भौतिक भूगोल का एक अभिन्न अंग है अब बात करते हैं आर्थर महोदय के अनुसार दी गई परिभाषा तो उन्होंने भौतिक भूगोल के इस तरह से अभिव्यक्त किया है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन अपने आप में भौतिक भूगोल है जिसमें पृथ्वी के उच्चावच उच्चावच की बात करें तो जितनी भी भू आकृतियां हैं तो इसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान आ गया सागर जो जलाशय हैं तो सागर और महासागर तो वो है समुद्र विज्ञान का हिस्सा तथा वायु वायु जो है वो मौसम और जलवायु विज्ञान का हिस्सा है तो इसका समावेश किया जाता है तो एक बार अपन देख लेते हैं वापस से परिभाषा को भौतिक पर्यावरण का अध्ययन अपने आप में भौतिक भूगोल है जिसमें पृथ्वी के उच्चावच यानी कि भू आकृति विज्ञान सागर तथा महासागर समुद्र विज्ञान तथा वायु मौसम और जलवायु विज्ञान का समावेश किया जाता है सो ही ट्राइड टू एक्सप्लेन that a number of sciences express the uh, subject matter of physical geography. so, as according to arthur holmes, the study of physical environment by itself is physical geography, which includes consideration of surface relief of the globe, that is geomorphology, of the seas and oceans, oceanography, and the air.

फिजिकल जोग्राफी एज फिजिकल ज्योग्राफी इज सिंपली द स्टडी एंड यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अर्थ साइंसिस विच गिव अ जनरल इंसाइट इन टू द नेचर ऑफ मैंस एनवामेंट तो जब हम भौतिक भूगोल के अभिप्राय के में बारे में बात करते हैं तो हमने भूगोल और भौतिक भूगोल क्या है वस्तुतः अलग अलग से जाना Uh, what is meant by geography, and when we talk about physical geography, what all subject matter uh, can be included as the part of uh, physical geography we have discussed about, and this can be very well gained, this can be very well known by the different definitions given by the uh, various scholars, and that were the most important, uh, giving an explicit view. एन एक्सप्लेट एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्रफी ओनली दोफिनेशन वी हैव कंसिडर्ड हेयर दो देर कैन बी अ नंबर ऑफ डेफिनेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट ऑफ़ फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने भूगोल और भौतिक भूगोल इन दोनों के बारे में विस्तार से जाना और इसके संदर्भ में जो बहुत ही प्रमुख वाली परिभाषाएँ थीं उनके विषय में चर्चा की गई इसके अतिरिक्त भी अन्य विद्वानों ने विविध प्रकार से समझाने का प्रयास किया है तो अगर हम देखें कि भौतिक भूगोल है क्या तो भौतिक भूगोल धरातल के विविध तत्वों जल थल वायुमंडल के जो क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन है सो बेसिकली वैन वी टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी इन जनरल एज रिलेटेड वैन वी गो थ्रू अ नंबर ऑफ डेफिनेशन गिवन बाई द स्कॉलर्स we come to the conclusion that physical geography deals with the uh, elements of uh, elements that prevail over the earth that are related to the hydrosphere lithosphere and atmosphere their distribution and along with that, what all factors, what all conditions have given rise to these conditions over the all what factors have given rise to these conditions over the earth? This is the main subject matter of physical geography. तो भौतिक भूगोल के धरातल पर जो विविध तत्व हैं जल में थल में वायुमंडल में उनके क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ में ये भी देखा जाता है कि इनके स्वरूप तथा उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है तो ये समूचा जो आज वर्णन रहा वो आपके सिलेबस के प्रथम पॉइंट प्रथम वाले बिंदु के संदर्भ में था कि भौतिक भूगोल की परिभाषा और अभिप्राय के संबंध में